शिवम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार शिवम जी, आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। और देखिए, वक्फ बोर्ड का तो दायरा फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या मंदिर, क्या गांव, क्या पहाड़, सभी पे क्लेम किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? मतलब देश हमारा है तो सारी जमीन इनकी हो गई क्या? गजब का हिसाब है इनका। मनविंदर जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आप तो देश की बात कर रहे हैं, पूरी कायनात इनकी है। इनके हिसाब से तो किताब तो यही कहती है, पूरी कायनात इनकी है। लेकिन क्या सही में है, इस पे चर्चा करने के लिए आज हम हैं। दरअसल देखिए मनविंदर जी, आप लोगों ने या सभी ने, जितने भी लोग हैं, सबने एक टिड्डी दल देखा होगा। हरे रंग का एक टिड्डी आती है, वो हजारों करोड़ों की मात्रा में आती है और पूरी की पूरी फसल चट करके चली जाती है। वक्त कुछ ऐसा ही है, जिधर उसकी नजरें इनायत हो जाती है उधर से ही फसल को खाना वो शुरू कर देती है। और वहां पे फसल होती है, यहाँ पे जमीन होती है। एक तरीके से सबसे बड़ा भूमाफिया, अगर मैं कहूँ भारत के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई है, लैंड ग्रैबर कोई है, तो वो वक्फ है। वक्फ एक्ट के माध्यम से किस तरीके से जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। दरअसल पूरी लड़ाई ही तो 1400 साल पहले इस कायनात को जीतने की हुई थी। लड़ाई शुरू तो यही हुई थी ना कि जमीन के ऊपर किस तरीके से कब्जा किया जाए, ताकि वो कयामत का दिन आएगा तब तक पूरे के पूरे दुनिया पे किस तरीके से कब्जा किया जाए। तो कब्जा करने के अलग अलग टूल है, उनमें से एक टूल आप वक्फ को मान सकते हैं कि वक्फ है। सबसे पहले भारत में वक्फ एक्ट आया 1923 में, मुसलमान वक्फ एक्ट नाम से अंग्रेजी से लाए, ताकि जो भी जमीन उन्होंने मुस्लिमों को दी है तो किस तरीके से एक भारत के अंदर एक डिवाइड क्रिएट किया जा सके, हिंदू मुस्लिम वाला, हम सबने देखा। और वक्फ के माध्यम से वो एक शुरुआत हो गई थी, ये बीज डाल दिया गया था। उसके बाद 1937 में पर्सनल लॉ बोर्ड भी आया, चलिए वो तो अलग चीज हो गई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ किस तरीके से एक पक्ष को एम्पावर करने का प्रयास किया गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा वक्फ एक्ट में अगर कोई डोनेशन आज तक हुआ है तो दो देश दिए गए, दो देश तो दे दिए गए ना। वो वक्फ ही तो था भैया, आपके नाम पर आपको देश दे दी गई, जमीन दे दी गई, तो वो वक्फ था। उसके बाद तो कायदे से वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाना चाहिए था, वक्फ एक्ट, और ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। पूरा का पूरा ये तामझाम धंधा ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से की गई, खासकर जब उसे ये दिखा कि राम मंदिर आंदोलन में किस तरीके से की वजह से उनकी जो जमीन है वो खोती जा रही है, किस तरीके से वो एक पक्षीय दिखते जा रहे हैं और हिंदुओं से किस तरीके से कनेक्ट वो टूटता जा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया जब जिनसे बन रहा है उसे ही मजबूत कर लिया जाए। तो फिर हमने देखा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसी चीज वो लेके आए, फिर किस तरीके से शाहबानों वाला केस हमने देखा, वो सब हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ तक तो ठीक था, मुल्ला मौलाना मौलवियों को तो खुश किया गया था, और खुश किया जाए वो कैसे किया जाए। उन्होंने कहा ये जो वक्फ है ना, जो वक्फ एक्ट है और ये सब चीजें, इसे और ज्यादा एम्पावर किया जाए। तो 1995 में वक्फ एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि ये हवस की खोपड़ी है, कभी नहीं भरती, ये घड़ा कभी नहीं भरता। तो उन्होंने 2013 में उसे और ज्यादा कर दिया एम्पावर, इतना कर दिया, इस तरीके से उसे एम्पावर किया गया। आज के टाइम पे वक्फ पे लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी वैल्यू लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। उस 9.5 लाख एकड़ जमीन का आधा कर दीजिए, लगभग 4-4.5 लाख एकड़ जमीन थी 2013 में। आप सोचिए किस तरीके से उस एक्ट को चेंज किया गया, किस तरीके से वक्फ बोर्ड को एम्पावर किया गया। ठीक 10 साल में वो जमीन दुगनी हो गई, यानी जितना समय 70 साल में लगा, 65 साल में लगा, उतनी ही जमीन को कब्जाने में मात्र 10 साल लगे। तो किस तरीके से कांग्रेस ने पूरा का पूरा एक तरीके से देश के ऊपर जो गजवाए हिंद और ये सब कहते हैं, तो देश पे कब्जे का जो प्लान था किस तरीके से उसे एक्सेलरेट कर दिया, फोर्थ गियर में डाल के पेडल पूरा डाल दिया उस पे कि भैया जहां तक जैसे कब्जा करना चाहो वो कर लो, वो कांग्रेस का पूरा प्लान। दरअसल हुआ क्या 2013 में, जो वक्फ बाय यूजर है उसे, माफ कीजिएगा 95 में जो वक्फ बाय यूजर है उसे ऐड कर दिया गया। और उसके बाद जो 2013 में क्या किया गया कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। मतलब वक्फ होता क्या है भैया, नॉन मुस्लिम क्यों करेगा? हिंदुओं के लिए तो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, एंडोमेंट यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से कुछ दान करना चाह रहे हैं, वक्फ भी दान है। इसका मतलब यह कि मुस्लिम पक्ष है वो ये चाहता है कि समाज के लिए, अल्लाह के लिए, कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर हो तो मैं ये चीज डोनेट करना चाहता हूँ। वो पैसा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वक्फ एक्ट बनाया गया कि भैया कोई मुस्लिम है वो उसे डोनेट करना चाहता है। अब इसमें प्रोविजन क्या है कि एक बार आपने डोनेट कर दिया वो वापस नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई अब्दुल मियाँ है, उनकी 5 एकड़ की जमीन है, उन्होंने डोनेट कर दिया, वो कभी वापस नहीं होगी, एक बार डोनेट कर दिया। साथ ही वो किसी को बेची भी नहीं जा सकती।
हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि समाज की भलाई के लिए उसको आप स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दो, मान लो उससे किराया आ जाए, उस किराए से आप कुछ बेहतर कर सके, समाज की बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, असली में वक्फ का मतलब ये। लेकिन किस तरीके से वक्फ को इस्तेमाल किया गया, जो ये अपर क्लास है ना, जो टॉप का 1-2% है, जो अशराफ वर्ग है, जो पूरे के पूरे इस वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा है, वो 2-3% जो है, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा जमा कर किस तरीके से उसे लूटने का काम किया। किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर स्टेट में मुस्लिम का वक्फ बोर्ड आपको मिल जाएगा। उस स्टेट का उस समय जो सरकार है, उस सरकार का जो सबसे बड़ा मुस्लिम नेता होगा, वो ये कहेगा ना मुझे मंत्री बनाना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, मुझे वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दो। आजम खान उठा लीजिए, यूपी में बनते सबसे पहले क्या कहा, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दो। दक्षिण में जाओगे आप, कहीं भी जाइए, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। कारण मैं आपको उदाहरण देता हूं, राजेंद्र सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, सच्चर कमेटी जिसे कहा जाता है, जिसको उठा के पूरा घूमते हैं कि भैया देखिए मुसलमानों की कितनी दुर्दशा है, फोर्थ क्लास सिटीजन है, दलितों से भी पिछड़ा है, ऐसा सच्चर कमेटी कहती है। वो सच्चर कमेटी तो ये भी कहती थी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हजारों करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए थी 2005 में, और मात्र 120 या 140 करोड़ रुपए आते हैं। तो जो हजारों करोड़ और वो 140 करोड़ अगर उसे घटा दे, जो उसका बीच का डिफरेंस है, वो कहां जा रहा है? 2005 की फिगर बता रहा हूं, 20 साल बाद आप सोच लीजिए, इन्फ्लेशन एडेड, जमीन कब्जा कितनी हुई और ये सब चीजें जोड़ी, तो पैसा कहां जाएगा? तो आप ये बताइए, वो क्या मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए लग रहा है? उसके बाद भी अगर मुस्लिम समाज पिछड़ा है, उसके बाद भी आधे से ज्यादा लोग मदरसों में जाने को मजबूर है, उसके बाद भी पंचर जोड़ने को और छोटे छोटे मोटे काम करने को मजबूर है, तो आप बताइए ना कौन है उनके लिए जिम्मेदार? वो तो अब उस बेहतरी के लगाना चाहिए था ना वक्फ बोर्ड का पैसा, लेकिन नहीं लगाया जाता, क्योंकि किस तरीके से ये बंदरबाट है, ये सब कुछ है। अब क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये भैया चलो उनका ही समाज के अंदर ही कुछ नुकसान कर रहा होता तो ठीक था, लेकिन क्या है ना, इसकी छींटे तो बाहर तक फैल रहे हैं। आप दक्षिण से शुरू करते हैं, तमिलनाडु में पूरा का पूरा एक गांव 1500 साल पुराना, उसमें एक मंदिर है सुंदरेश्वर जी का, चोला साम्राज्य का टेंपल था, वो पूरा गांव ही कह दिया भैया ये हमारा है। उसमें लगभग 400 एकड़ जमीन थी, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड वालों ने ये हमारी है। गांव का कोई आदमी था, उसने 1.2 एकड़ जमीन उसे कहीं बेचनी होगी, रजिस्ट्री के लिए तहसील में गया, तहसील वाला कह रहा भैया तेरी तो जमीन ही है, तो वक्फ वालों ने क्लेम कर ली। उसके बाद गोविंदपुर गांव बिहार के अंदर, नहीं तमिलनाडु का जो गांव है, 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 साल पुराना तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसकी वजह से वक्फ आया है, वो भी 1400 कुछ साल पुराना है। तो भैया तुम्हारी सोच से पहले के गांव और मंदिरों को तुम कब्जा कर रहे हो। उसके बाद बिहार में गोविंदपुर गांव को पूरा का पूरा क्लेम कर लिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर 144 प्रॉपर्टियां 2013 में कांग्रेस ने पूरी की पूरी डोनेट कर दी थी। उसमें तो फिर ये सरकार आई, उसने डी नोटिफिकेशन किया और पता नहीं किस तरीके से कोर्ट में जाकर कोर्ट के माध्यम से उसे वापस लेके आए। अभी 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें से 138 प्रॉपर्टी डीडीए के अधीन है और 108 प्रॉपर्टी एक और है। वो प्रॉपर्टी अभी दिल्ली के अंदर है जो प्राइम प्रॉपर्टीज है, वो क्लेम करके बैठा है। वर्चुअली आधी दिल्ली उन्होंने ये कह दिया भैया आधी दिल्ली हमारी है। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्लेक्स वक्फ का है, नई पार्लियामेंट वक्फ की है, आईजीआई एयरपोर्ट वक्फ का है। आज एक काम और हो गया है, कर्नाटक में कुछ किसानों को मैं उस पर भी आ रहा हूँ। कर्नाटक में तो बहुत बड़ा खेल है, इसलिए मैंने उसे सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ जी। तो दिल्ली में वर्चुअली आधी दिल्ली उन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर ली कि भैया ये हमारी होनी चाहिए। अब ये सब चल ही रहा है, उसके बाद अब कर्नाटक से तो ऐसी खबर आई है कि भैया कर्नाटक में 53 ASI की प्रॉपर्टीज हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जी जी 53 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ASI की है। ASI का रूल ये है कि ASI के अधीन अगर कोई प्रॉपर्टी है उसे कभी डीनोटिफाई नहीं कर सकता, वो हमेशा ASI की रहेगी। रिवेन्यू रिकॉर्ड में एक बार चढ़ गया कि ASI की है, कोई कानून उसे बदल नहीं सकता भारत का। उसका मेंटेनेंस, उसका प्रिजर्वेशन, हर कुछ ASI के अधीन है, उसकी ओनरशिप ASI के अधीन। 53 प्रॉपर्टीज में से अभी RTI लगाई गई, पता लगा 2005 में वक्फ ने क्लेम कर ली भैया हमारी है। अब जाके पता चल रहा है ASI उस पर लड़ रहा है, ASI के अधीन होने चाहिए लेकिन वो वक्फ के अधीन है। और हुआ क्या उसके बाद, उन स्ट्रक्चर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर दिया गया, अंदर मतलब प्लास्टर भी कर दिया, सीमेंट का इस्तेमाल भी कर दिया, जो राष्ट्रीय धरोहर थी उन्हें तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से उसका स्वरूप बदल दिया गया, दुकानें खोल दी गई, टॉयलेट खोल दिए गए अंदर, ये सब चीज मदरसे खुले हुए हैं सर मैडम उसके अंदर, यह हालत कर दी गई है। अब किया किसने, उस समय कोई रहे होंगे चेयरमैन, विजयपुरा नाम की जो बीजापुर हुआ करता था, विजयपुर उसे कहते हैं,
ये उसमें से 43 में से 43 प्रॉपर्टीज उस विजयपुर की है। वहां पे कोई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे मोहम्मद मोहसिन जी, उनके जमाने के हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, नाम से पहचानिए, इसने किस तरीके से जो दीन है उसकी खिदमत की होगी। तो वही सब अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो सरकारी नोटिफिकेशन था, मैंने तो ऐसे किया वैसे किया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। और कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ को गई है मुझे नहीं पता। जो हम 9.5 लाख एकड़ जोड़ रहे हैं ना, ये तो वो है जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, पता है। बहुत सी तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जब आदमी तहसील में जाएगा तब पता लगेगा भैया ये भी वक्फ की है। तो ऐसी तो और कई 1-2 लाख 4 लाख एकड़ जमीन और निकली आएगी, ये तो वो है भैया किसने कह दी जब पता है रिकॉर्ड में। ऐसे ही खेल और हुआ उसी विजयपुर में, उसे विजयपुरा में, वहां होनवाड़ा करके एक गांव है, उसके अंदर 1500 एकड़ जमीन किसानों की वक्फ ने कहा ये हमारी है। अब किसान कह रहे भैया तुम्हारी कैसे हो गई। अब जब ये हो हल्ला हुआ, 1500 एकड़ तो बड़ा आंकड़ा होता है, दो गांव में, एक होनवाड़ा है एक और विलेज है, दो मतलब गांव है। अब 1500 एकड़ बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद वहां जी परमेश्वरन जो मंत्री है कर्नाटक सरकार में, उन्होंने आके कहा नहीं नहीं वो थोड़ा सा ना टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, वो गलती से चढ़ गया। मतलब आप 1500 एकड़ जमीन आपने तो कह दिया टाइपो एरर हो गया। अगर पब्लिक नहीं खड़ी होती, अगर समाज नहीं खड़ा होता, तो वो तो टाइपो एरर चला गया था ना, वो तो 1500 एकड़ जमीन लोगों की चली गई थी। आप तो मंत्री जी हैं, आपको तो कहीं से संसाधन आ जाएंगे, आप खरीद लेंगे, एक रात में खरीद सकते हैं 1500 एकड़ जमीन। वो गरीब किसान क्या करेगा जो अपनी पुश्तैनी जमीन लेके अपना घर चला रहा है, परिवार चला रहा है। आपने तो एक कह दिया टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, उससे काम नहीं चलता ना मैडम। अब टाइपोग्राफिकल एरर तो ये होता कि सिद्धारमैया की मैडम ने जमीन खरीदी और उस पर फ्लूड लगा के चेंज किया रातों रात, उसे वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी बचने के लिए, हुआ तो ये भी है ना। अब उसे उस पर क्यों आप नहीं कहते कि वो टाइपोग्राफिकल एरर था, आपने फ्लूड लगा दी उसके ऊपर और फंस गई है मैडम अब उसमें सिद्धारमैया में, मुद्दा वाले स्कैम में ये फंस रहे हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके बेटे। किससे क्यों जमीन वापस कर रहे हैं अगर घोटाला नहीं है, जमीन क्यों वापस कर रहे हैं मुद्दा वाले अगर घोटाला नहीं है, फ्लूड क्यों लगाई गई उसके ऊपर, व्हाइटनर क्यों लगाया गया और क्यों चेंज किया गया उसे रातों रात। तो पूरा खेल समझिए, और खासकर जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है उनके अंदर ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिसंबर में वक्फ एक्ट आने वाला है, वक्फ एक्ट को संशोधित किया जाना है। अब क्योंकि जेपीसी जिस तरीके से काम कर रही है, जेपीसी की हर बार मीटिंग होती है, हर बार उसमें जूता बजता है। हालत तो ये होगी विपक्ष ने, हाँ विपक्ष ने ये दिखा दिया भैया हम तुम्हारे इतने बड़े खैर कहाँ है, हम तुम्हारे लिए इतने लड़ रहे हैं। वो बैनर्जी है कौन, वो वहां का बंगाल का, उसने तो मतलब वो बस उसकी नस काटनी रह गई है कि किस दिन नस काट के वो लव लेटर न लिख दे मुस्लिम समाज को अपने खून से, क्योंकि पिछली बार तो बोतल वोतल फोड़ के हाथ भी कट गया था। सिर्फ नाटकबाजी है, सिर्फ दिखाने के लिए हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और अगर विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग वहां जाकर अपना तर्क रखते हैं ना, जिस दिन हियरिंग होती है उन्हें बुलाया जाता है, ये सब लोग वॉकआउट कर देते हैं। क्यों पता है भैया, वो जब तर्क रखने शुरू करेंगे इन्हें तो मतलब बगले झांकनी पड़ेगी, समझ आएगा नहीं क्या बोला है। तो जिस तरीके से वक्फ एक्ट लाया जा रहा है जेपीसी में, जिस तरीके से बहसबाजी चल रही है, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है कि इस विंटर सेशन में वक्फ एक्ट आएगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन अच्छे से दिखाई दे रही है। जिस तरीके संशोधन प्रस्तावित है इस वक्फ एक्ट में, वक्फ बाय यूजर खत्म किया जाना चाहिए, जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है और स्टेट लेवल पे जाकर ही, मान लीजिए मेरी जमीन किसी ने कब्जा कर ली, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो भोपाल में उसका ट्रिब्यूनल है, मैं कहीं रह रहा हूं, मैं रीवा में रह रहा हूं, मैं कहीं भी रह रहा हूं, इंदौर में रह रहा हूं, किसी भी शहर में उठा लीजिए, मैं बीहड़ में रह रहा हूं, कहीं भी है, मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। भैया अगर कहीं मुझे दिक्कत है, परेशानी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो अथॉरिटी कर सकते हैं, भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके मैं उसको कंटेस्ट कर सकता हूं। उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल में गए भी आप, चलिए आप पे संसाधन है, जमीन कहीं से उधारी लेके कैसे भी आप पहुंच गए वहां पे, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, पैदल, घोड़ा गाड़ी से, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जो वो टोपी वाले बैठे हैं वही तय करेंगे जो क्या सही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब एक तरीके से वो होता है ना, मशीन होती है जिसके अंदर एक बार चीज चली गई, ब्लैक होल है एक तरह का, अगर सही उसका उदाहरण दूं, ब्लैक होल है, कुछ भी डालिए वो मतलब वापस नहीं आएगा। अब सरकार कह रही है भैया इसे अभी इसमें प्रस्तावित नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये सरकार को ये अनुरोध है और जेपीसी को ये अनुरोध है कि भैया ट्रिब्यूनल बने तो स्टेट माफ कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि भैया इसमें ये पहले तो क्या होता था, वक्फ ने कहा सुबह गाड़ी लेके निकले, अच्छा कौन सी जमीन अच्छी लग रही है, अच्छा ये वाली अच्छी लग रही है जी, 100 एकड़ है, इसका सर्वे करो, शाम तक अपनी कर लो। अब वो नहीं होगा, पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड है जो
वो जाता था, वही सर्वे करता था, वही डिक्लेयर कर देता था ये वक्फ प्रॉपर्टी है और भैया हमारा कब्जा हो गया, अब आ जाना तुम भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में, उस ट्रिब्यूनल में देखेंगे। अब नहीं होगा, अब क्या होगा, ये तय करेगा डीएम ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, सही तरीके से क्लेम किया जा रहा है या नहीं। अब उसमें स्कॉलर भी होगा, उसमें बहुत सारे जो पूरा का पूरा पैनल है उसमें महिला भी होगी, ये दिक्कत है। और अब तक क्या था, सुन्नी वक्फ होता था, अब शिया वक्फ बोर्ड भी होगा, अब बोहराओं का भी होगा, अब अहमदियाओं का भी होगा, ये दिक्कत है ना कि भैया जो इतने लूट तंग चल रहा था भैया हिस्सेदार भी आ जाएंगे उसमें, ये भी दिक्कत है। अब उसमें एक नॉन मुस्लिम भी होगा, भैया तुमने जो लूट चलाई हुई है, अब तुम कह रहे हो कि नॉन मुस्लिम क्यों होना चाहिए, तो मुसलमानों का काम है, भैया जमीन तो तुम नॉन मुस्लिम की भी कब्जा रहे हो, खतरा तो मनविंदर जी और मेरे घर पे भी है, तो भैया हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां क्यों ना हो, बिल्कुल हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, महिलाओं का महिलाएं भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए उन्हें दिखाई दे रहा है कि वक्फ में जो संशोधन होने वाले हैं, जो दिक्कत परेशानी हमें आने वाली है, उससे पहले खासकर कांग्रेसी राज्यों में क्या करो, जितना कब्जा कर सकते हो कर लो, जहां जहां पैर फैला सकते हो फैला लो, ताकि जब संशोधन हो, ये एक्ट में कुछ बदलाव हो, तो भैया आप ये कहो देखो हमारे से इतनी लाख एकड़ जमीन छीन, 10 लाख एकड़, 12 लाख एकड़, सुनने में बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा मुसलमानों को पता नहीं कितना कब्जा हो गया हमारे पे, ऐसा लगा। फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट में, जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉयलेट पेपर बनाने की फैक्ट्री है ना, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें अखबारें छपेंगी, अरे देखिए भारत में 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की छीन ली, इतने बिलियन डॉलर की बैठती है, वो बड़े बड़े आंकड़े बोलने में अच्छा लगेगा। फिर इस सरकार पे दबाव बनाया जाएगा, मस्जिदों में ऐलान होगा, भोंपू लेके गली गली घूमेंगे, अरे देखिए दीन पे खतरा आ गया, मुसलमान मारा गया, इतनी जमीन पे कब्जा हो गया। भैया वो कौन बताएगा कि ये जमीन पे कब्जा किया भी तुम्ही ने था। उदाहरण देता हूँ, ओवैसी कह रहा था ना भैया यूपी में 1,21,000 प्रॉपर्टीज है वक्फ की, 1,14,000 के हमारे पे कागज नहीं है। क्यों नहीं है भैया तुम्हारे पे कागज? तो भैया इलीगल कब्जा पहले किसने किया? तुम लोगों ने किया ना। तो भैया अगर सरकार संशोधन लाके उसे वापस कर रही है, सरकार ये तो नहीं कह रही कि भैया हम तुम्हारे से प्रॉपर्टी सारी छीन लेंगे, वो तो कह रही है कागज दिखा दो, कागज दिखाने पड़ेंगे, सीए हो, एनआरसी हो, वक्फ हो, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, सारा खेल ही कागज का है, कागज ही दिखाने पड़ेंगे। अब सीए में दिखाने थे, एनआरसी जब होगा जबकि ठीक है, अब आपको वक्फ में भी दिखाने पड़ेंगे। ऐसे पीछा नहीं छुटेगा कि कहीं भी गए सुबह उठे मुतवल्ली और ये वक्फ के मेंबर गए ये जगह कब्जा लो जी, मतलब गांव के गांव। और मैं एक बात और कह दूं मनिंदर जी, जिस तरह का वक्फ का दायरा है, जिस तरह की पावर उसे दी गई है, मैं तो कह रहा हूं इस देश के सबसे सीधे लोग वक्फ वाले ही हैं। कारण जिस तरह की पावर है ना उनके पास, वो तो पूरा देश भी क्लेम कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वक्फ वालों ने कह दिया भैया पूरा मध्य प्रदेश हमारा, क्या करोगे आप, ज्यादा ट्रिब्यूनल में तो जाओगे, फिर वो मोहन यादव जी कहेंगे चलो ट्रिब्यूनल में, भैया पूरा मध्य प्रदेश क्लेम कर लिया, ट्रिब्यूनल में भी इनके लोग बैठे हैं। कारण क्या है, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने ऐड किया, उसके बाद ये पावर मिल जाती है। ये कह रहे हैं कि फला 500 साल पहले हमारा कोई वो नवाब था, उसने इस मोहल्ले में खड़े होकर चाय पी थी, ये मोहल्ला हमारा, ठीक है, इस गांव में आके वो रात को रुके थे नवाब साहब, ये गांव हमारा, कि हमने यूज की है ये जमीन। ये सारा जो कब्जे का प्लान है ना, तो मैं तो कह रहा हूं अब तक भारत में इन्होंने क्लेम नहीं किया, ये भी गनीमत मानी है। लेकिन होता क्या है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब हिंदू समाज से भी मांग उठने लगी, अब हिंदू समाज भी कहने लगा भैया वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। 16 नवंबर को बड़ी रैली हो रही है दिल्ली के अंदर, वो कह रहे हैं हमारा सनातन बोर्ड बनाओ। एक सूत्रीय मांग है, सिर्फ एक, जो पावर वक्फ बोर्ड को है वो सनातन बोर्ड को मिलनी चाहिए, सेक्युलर कंट्री है, अगर एसजीपीसी हो सकता है, अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है, क्रिश्चियंस के लिए कुछ प्रबंधन हो सकता है संविधान में, तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, सेक्युलर नेशन है ना। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं यूनिफॉर्म सेक्युलर कोड होना चाहिए, भैया सेक्युलर तो यही कहता है जैसा अधिकार तुम्हारा ऐसा अधिकार मेरा, तुम्हारा वक्फ बोर्ड मेरा सनातन बोर्ड इक्वल पावर हो, फिर हम बता देंगे तुम्हारे नवाब साहब कहां सोए थे और हमारे आराध्य कहां पैदा हुए थे, बाकी हम क्लेम कर लेंगे सारे के सारे। शिवम जी, दिल्ली से भी
जानकारी आ रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड का सुपर एक्सक्लूसिव एक दस्तावेज मिला है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसमें ये कह रहा है कि एएसआई की काफी सारी संपत्तियां, मतलब 165 संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, और इस लिस्ट में ऐतिहासिक स्मारक भी है जिनमें जो लिस्ट की हुई है उसमें जो 90 नंबर पर बताया गया है कि हुमायूं का मकबरा है जी। केजरीवाल की क्या चाल हुई है? देखिए है क्या, 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनाने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, तो उन्होंने उस समय क्या किया था ना, जो जमीन उन्हें लेनी थी बाकायदा उसका पेमेंट करके उस जमीन का अधिग्रहण किया हुआ। ये तब तक की भी जमीनें क्लेम कर रहे हैं और एएसआई की प्रॉपर्टियां भी क्लेम कर रहे हैं। 165 जो बताइए 200 से ऊपर है, जो मेरी जानकारी है वो आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच रहा है, वो प्रॉपर्टीज भी ये क्लेम कर रहे हैं। देखिए क्या है, आपने कब्जा कर लिया उसके बाद लड़ते रहिए, होता रहेगा खेल, कौन सा और लड़ाई भी हो रही है, खर्चा भी हो रहा है, वक्फ भी अगर पैसा लगा रहा है, सरकार लगा रही है, कौन सा इनके कब्जा धारकों की जेब से जा रहा है? और अमानतुल्ला खान अपने 35 रिश्तेदार रख लिए थे ना इसने वक्फ बोर्ड के माध्यम से, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना था 5 साल के लिए, 17 से 21 तक, जहां तक 4 साल के लिए, 17, 18 से 21, 22 तक कुछ ऐसे रहा था, ये 4-5 साल के लिए इसने 35-40 लोग अपने रख लिए थे। इसके मतलब इसके साथियों के यहाँ छापे पड़े तो बंदूक कारतूस और पता नहीं क्या क्या मिला था। ये तो हेंचमैन था ना अरविंद केजरीवाल का, इसी के बलबूते, केजरीवाल के साथ मिलके ही सारा जो खाई बाड़ी हुई है, केजरीवाल के साथ मिलके ही तो हुई है। मैडम नेताओं को बाहुबलियों का साथ तो चाहिए ही, तो बाहुबली आप मान के चलिए केजरीवाल जी का बाहुबली था, उसको सपोर्ट करता था, तो भैया जब आपके लिए कोई खून देगा, खून लेगा, आपके लिए लड़ेगा, तो भैया उसे कुछ फायदा तो चाहिए, तो वक्फ बोर्ड में आपको लगा दिया गया। फिर वहाँ 18,000-21,000 पर कुछ ऐसा आंकड़ा है आसपास, आप वो जो वक्फ बोर्ड से एम्पैनल्ड जो मदरसे हैं उनमें मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे थे, जो एम्पैनल नहीं है उन्हें भी पैसे दिए जा रहे थे, तो वक्फ बोर्ड और इन सब में किस तरह का घपला घोटाला दिल्ली के अंदर चल रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक और पॉइंट जो रह गया था मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये तर्क आता है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए, उसे ही डिसॉल्व कर देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में, जो विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाकर चल रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय, दो आप ये मान सकते हैं दो सबसे प्रमुख लोग जो इसको लेकर चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया। कम से कम अब हमें इस बोर्ड के माध्यम से ये तो पता है कि भैया कहाँ कहाँ कब्जा है और उसे रेगुलेट तो कर सकते हैं। जब हमारे मंदिरों के ऊपर रेगुलेशन है, जब हमारे मंदिरों का पैसा सरकारें उठा रही हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज पे भी तो रेगुलेशन होना चाहिए, वरना फिर तो कोई भी कहीं मुंह उठाएगा चला जाएगा, कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा। रेगुलेशन के लिए, पता लगने के लिए कि दायरा कितना व्यापक है, ये बोर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मंदिरों पे कब्जा है, राज्य सरकारें जिस तरीके से कब्जा करके बैठी है, और उस पूरे के पूरे पैसे को जो हिंदू समाज का है, हिंदुओं के लगना चाहिए, मंदिरों के लिए लगना चाहिए, उसे लेके बैठी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ जानकारी सरकार में से मेरे पास भी आ रही है, कुछ लोगों से बात की है, सरकार इसके लिए एक तरीके से कह रही है विचारशील है, उसे जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है खासकर संघ परिवार के द्वारा, मुझे लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर जल्दी ही कुछ वर्कआउट कर सकती है प्लान। आपको हो सकता है कि संभावनाएं हैं आने वाले समय में हिंदुओं के जो मंदिर कब्जा है वो छूटते दिखाई दें, उसकी तरफ सरकार कुछ एक्शन लेती दिखाई दे, प्रतिबद्ध होती दिखाई दे। मुझे लग रहा है जो हिंदुओं की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए अपने धार्मिक स्थल, अपनी अस्मिता, अपने प्रतीक चिन्हों को छुड़ाने की, मुझे लग रहा है सरकार के एजेंडे में वो जल्दी ही आ जाएगा और आपको दिखाई देगा, और ये वक्फ के संशोधन के बाद आपको दिखाई देगा। जी मन शिवम जी, वक्फ बोर्ड की आड़ में सनातन को भी डेंट देने की कोशिशें की जा रही है, मतलब ओवैसी के जो बयान है वो तो यही बता रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड तो एक टूल है, ऐसे एन नंबर ऑफ टूल्स है जिससे सनातन को परेशान किया जा सके। अब क्योंकि ये चर्चा में है, इसके ऊपर ज्यादा विचार हो रहा है, तो भैया टूल तो बहुत सारे हैं, भैया वक्फ एक माध्यम है। अब ये हजरत ओवैसी साहब, भैया बैरिस्टर, वकील, एमपी, बड़े बड़े आलिम फाजिल व्यक्ति हैं, अब इन्होंने लेकिन कुतर्कों में इनका भी कोई टक्कर नहीं है, भैया एक तर्क होता है कुतर्क होता है, कुतर्कों में भी टक्कर नहीं है, तो इन्होंने कुतर्क दिया कि भैया अगर आप वक्फ बोर्ड में किसी नॉन मुस्लिम को इंडक्ट करते हैं तो ये तिरुपति देवस्थानम जो TTD है,
तिरुपति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उस बोर्ड में भी आप किसी मुस्लिम को रखिए। पहली बात तो क्या तिरुपति मंदिर ने आज तक कहीं कब्जा मतलब किया है क्या? ये तो मतलब बद्रीनाथ तक कह रहे हैं कि इस पे ये जो है हमारे वक्फ की जमीन में आ रहा है, बताइए। अरे वो तो बड़ा हास्यास्पद है, उस पे भी आऊंगा मैं, वो अच्छा याद दिलाया आपने, उस पे जरूर आप रोशनी डालिएगा। अब ये ओवैसी साहब कह रहे हैं भैया ये तिरुपति जो बोर्ड है इसमें भी मुस्लिम होना चाहिए, तिरुपति बोर्ड ने आज तक जमीन कब्जा ही किया, उल्टा उस मंदिर का पैसा सरकार खा रही है लूट रही है, कहूंगा खा नहीं रही लूट रही है। क्या कभी ऐसा होता है कि तिरुपति मंदिर का जो बोर्ड है उसका ट्रेजरर या कोई उसका पुजारी बाहर निकलता और ये जमीन कब्जा लो ये गांव कब्जा लो, ऐसे होता है क्या? तिरुपति मंदिर जितना पैसा खर्च करता है सामाजिक सरोकार में, कोई मंदिर करता हो, कोई मस्जिद करती हो, अजी अली करती है क्या, कोई और को अजमेर शरीफ करता है क्या? अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए लोगों ने क्या क्या किया 1992 में, वो जाकर पढ़िए, अजमेर शरीफ में वो होता है। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे जुड़े हुए लोगों ने 1992 में क्या किया ये कोर्ट में साबित हुआ है, वहां जाके देखिए ना क्या हुआ है। क्या कभी आपको ऐसी खबरें कहीं से आती हैं क्या? एक कठुआ में कहीं कुछ हो गया, उबर एक नो वो प्ले कार्ड लेके सब घूम रहे, क्यों नहीं बोलते अजमेर कांड पे? तो ओवैसी साहब आप ये बताइए क्या जमीन कब्जा करने का टूल है क्या टीटीटी? आपको जंगे दे वहां पे, हाँ टीटी वहां हुआ क्या? वहां पे क्रिश्चियन अपॉइंट किए गए पिछली सरकारों में, वहां बीफ का इस्तेमाल कर प्रसाद बांटा गया, ये जरूर हुआ है वहां पे। अब देखिए हिंदू कितना मतलब कितना टॉलरेंट है उस चीज को भी झेल गया, यहाँ तो एक बयान पे एसटीएसडी के नारे लग जाते हैं, यहाँ तो पूरा हिंदू समाज चुपचाप बैठा रहा है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी वो लड्डू पहुंचे हैं। इतनी सहन शक्ति है समाज के अंदर। तो ओवैसी साहब के कुतर्कों में मत पड़िए, वो बहुत लाग लपेट के और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आम पब्लिक को लगता है हाँ यार पता नहीं क्या दैवीय ज्ञान दे दिया, लेकिन उसके अंदर कुतर्क होते हैं। किसी पढ़े लिखे उस टॉपिक से जो लोग मुतमईन है उसे जानते हैं, जब वो उसका तर्क का जवाब देते हैं ना, ओवैसी साहब ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सिर्फ आते हैं बयान देके चले जाते हैं, टीवी डिबेट भी नहीं करते, सिंगल विंडो में आते हैं जवाब देके चले जाते हैं। क्यों पता है? अगला बैठेगा सवाल पूछेगा जवाब क्या देंगे, फिर वो अपने प्रवक्ता छोड़ देते हैं गाली गलौज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवैसी जैसे लोगों को बहुत ज्यादा उस तरीके से महत्व मत दीजिए, बस मैं यही कहूंगा पूरे हिंदू समाज को अपनी लकीर बड़ी कीजिए, ये ऐसे जो लोग है ना मैं छुटभैया इसलिए कहूंगा, एक लोकसभा है 5-6 विधानसभा है, इस देश में 550 के लगभग लोकसभा है और हजारों विधानसभाएं हैं, तो भैया बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मीडिया स्पेस ने उसे बड़ा बना दिया, मीडिया कवर करना बंद कर दे तो हैदराबाद तक महदूद रहते। और हाँ आपने बद्रीनाथ वाला कहा, वो एक मौलाना साहब थे, वो मतलब वीडियो तो वायरल हो रहा है, वो 2021 का वीडियो है, वो ये कह रहे हैं कि वो बद्रीनाथ है ना, वो कोई बद्रुद्दीन शाह करके थे, उनकी मजार थी, वो पीर बाबा थे पीर फकीर थे। पहली बात तो वो वहां कहां पहुंच गया पीर फकीर, मतलब वो बद्रुद्दीन शाह ने कभी बद्रीनाथ भी देखा होगा? हाँ ये जरूर हुआ होगा, बद्रुद्दीन के जो दादा परदादा रहे होंगे ना उन्होंने जरूर माथा टेका होगा केदारनाथ बद्रीनाथ में, क्योंकि उसके बाद तो फिर उन्होंने बदल लिया ना अपना रिलीजन। हाँ ये जरूर है कि उनके पूर्वज जरूर गए होंगे वहां पे। तो ये बद्रुद्दीन शाह और ये जब मिलते जुलते नाम कर दिए ना, अभी केदारनाथ को कोई कादर शाह बता देंगे और ये गंगोत्री को कुछ और बता देंगे, जो नाम मिलते जुलते करके बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। आप कन्याकुमारी में चले जाइए, ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती हैं, नहीं नहीं ये कन्याकुमारी नहीं है कैनी मेरी है, कैनी मेरी कही है, मतलब नाम भी कब्जा, ये सब करने का प्रयास है। FIR दर्ज हो गई उस वाले मामले में, खैर वो 2-3 साल पुराना है वीडियो, सरफेस हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें FIR हो चुकी है। अब पता नहीं मौलाना साहब भागे हुए हैं क्या है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल तो नहीं ली, लेकिन हाँ ये इस तरह के कुतर्क जरूर दिए जाते हैं। अब दिक्कत क्या है ना, वो बाबा जी के राज्य में बैठ के बोल रहे थे, तो जो शाह साहब थे उन्हीं के पास मुझे लग रहा है इंतजाम, बाबा जी की पुलिस जल्दी ना कर दे उनका, तो मुझे लग रहा है वो शायद मौलाना जी कहीं छुपो गए जी। शिवम जी आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने बेहतरीन जानकारी दी कई विषयों पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।